खेसारी रही हैं ट्रेंडिंग में, पवन रही हैं पेंडिंग में। जी हाँ, ये है खेसारी लाल यादव का अगला गाना। अब बताते हैं कि इसके विवादित बोल के लिए खेसारी लाल यादव की तरफ से पहले से ही ये कह दिया गया है कि ये गाना पवन सिंह का नहीं है, पवन सिंह पर मैं नहीं गा रहा हूँ पवन पांडे पर, जो है इस गाने के राइटर। और आपको बता दें कि इसके पहले भी खेसारी का एक गाना ऐसा ही आया था जहां पर पवन नाम का यूज़ किया गया था। तब पवन सिंह के फैंस बहुत भड़क गए थे खेसारी लाल यादव पर, लेकिन फिर खेसारी लाल यादव ने ये कहा कि उन्होंने राइटर पवन पांडे के ऊपर ये गाना गाया है, पवन सिंह के ऊपर नहीं। इसलिए ये गाना रिलीज़ होने से पहले विवादों में ना आए, पवन सिंह का नाम की वजह से विवादों में ना आए, इसके वजह से इस गाने को लेकर पहले ही ये कह दिया गया है कि ये इस गाने में जहां पवन नाम का शब्द का यूज़ किया गया है वो पवन पांडे के लिए है, पवन सिंह के लिए नहीं। फिर आपको ये भी बता दें कि ये लोटस म्यूज़िक पर रिलीज़ होगा और इसमें खेसारी का साथ देती नज़र आएंगी अंजलि भारती, जो आजकल खेसारी लाल यादव के अमूमन हर गीतों में अपनी आवाज़ दे रही हैं। खेसारी लाल यादव का ये गाना आते ही आप जानते हैं छा जाएगा, क्योंकि इसे पवन सिंह के भी फैंस सुनेंगे ही सुनेंगे, क्योंकि इसमें पवन नाम का यूज़ है और ये बात खेसारी लाल यादव बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। हो सकता है ये गाना रिलीज़ हो और खेसारी तुरंत लाइव भी आए, लोगों के सामने फिर कहें कि इस गाने में पवन सिंह का नाम पवन पांडे की वजह से यूज़ है, पवन सिंह की वजह से नहीं। ये क्लेरिफिकेशन वो लाइव आके ज़रूर देंगे, क्योंकि ये गाना बहुत बड़ा विवाद खड़ा करने वाला है। आप तो समझ सकते हैं कि जहां पवन नाम आ ही जाता है खेसारी के साथ तो वहां कितना बड़ा विवाद खड़ा हो जाता है। तो इस बात को कि पवन रही है पेंडिंग में, खेसारी रही है ट्रेंडिंग में, तो आप समझ सकते हैं कि क्या हाल होने वाला है। पवन सिंह के फैंस इस पे गुस्सा तो करेंगे ही। आप क्या सोच रहे हैं इस गाने को लेकर, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए।